हम यहाँ आए हैं ताकि हम आपसे सुन सके कि उस रात हुआ क्या था। कल रात तुम्हें तेरे बाबूजी के कमरे में दूध का गिलास रखने गई थी, फिर अचानक अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरा सर भारी हो गया और मुझे चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वहां गिर गई। लेकिन एक बात याद है मुझे, जब मुझे चक्कर आया था तो मैं वहां वहां जमीन पर नीचे गिरी थी, पलंग पर नहीं। हम बुरे हैं, दुनिया हमें गाली देती है, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उस आदमी के कमरे में, छी, दुनिया कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारे बारे में मां। अरे हमें तो मां कहने में भी शर्म आ रही है तुम्हें, मां के नाम पे धब्बा हो गया। मेरी मां के खिलाफ अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द नहीं कहोगे तुम। किसी और को दोष देने से पहले अपने आप को देखो कि तुम कैसे बेटे हो। ना तो तुम इस मां के सगे बन सके जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और ना ही उस मां के जिसने तुम्हें जन्म दिया। आकाश, तुम मां के शब्द का मतलब ही नहीं समझते हो। अपनी बकवास बंद करो, जैसी मां वैसा बेटा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मां को खो चुका हूं, लेकिन उसकी भरपाई कोई अपनी जान देकर भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आकाश, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे परिवार को और तंग नहीं कर सकते हो तुम। चले जाओ यहां से, मेरे नजरों के सामने से दूर हट जाओ, वरना हमें कोई शौक नहीं है तुमसे उलझने का। जिस औरत को हम आज तक मां कहते आए उसके बारे में सुना तो चले आए। नहीं नहीं राधा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, बहुत बहुत नींद में होगी वो उस समय, और वही बाबूजी का ध्यान रखते रखते उनकी आंख लग गई होगी, बहुत थकी हुई होंगी वो। अरे दिन भर घर में इतना सारा काम जो करती रहती हैं, थकी हुई होंगी। हाँ भाभी, बाबूजी कभी कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन छोटे, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा वो झूठ तो नहीं था ना? उस औरत की ही गलती है। अरे क्या जरूरत थी उसे बाबूजी के कमरे में जाने की? और फिर तुमने देखा ना वो बाबूजी के पास कैसे? बुआ जी ने भला बुरा सुना दिया, अब आप भी राधा जी पर उंगली उठा रहे हैं। पंकज भैया, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। बुआ जी ने सवाल किए राधा जी से, आप भी जाके कर लेंगे, पर क्या किसी में हिम्मत है कि जाके बाबूजी से सवाल करें? परी, मुझे चुप मत कराओ प्रतीक। हाथ, आज के जमाने में भी औरत को ही दोषी माना जाता है, उसी में सारी गलतियां निकाली जाती है। क्यों, मर्दों को पूरी आजादी है ना, वो जो चाहे करें, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। परिधि, जबान को लगाम दो। मुझे देख कर कि इस लड़की की बकवास चुपचाप सुन रहे हैं मेरे बेटे। मैं
मैं इस घर का मुखिया था, हूं और रहूंगा। ये परिवार मेरे बनाए नियम कायदे कानूनों पर चलता आया है अभी तक और आगे भी चलता रहेगा। सबसे अहम नियम ये है, घर के छोटे अपने बड़ों के आगे मुंह नहीं खोलते हैं। जिसने इस नियम का पालन नहीं किया उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा लगता है तुम लोगों को कि इस उम्र में सारी शर्मों हया भूलकर इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा मैं? शर्म नहीं आई तुम लोगों को ये सोचते हुए? बाबूजी, हम सब सिर्फ आपस में बात कर रहे थे और... क्या बात? कैसी बात विधि बहू? बात करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि तो तुम्हारे मन में शंका है कि तुम्हारे बाबूजी ने ऐसी गलती की है। फॉर गॉड सेक, सुबह से शाम हो गई है और आप सब लोग अभी तक उसी टॉपिक पर अटके हुए हैं। दादाजी, चाहे कोई आपको समझे चाहे ना समझे, लेकिन मैं आपको समझती हूँ। दादा आंटी और आपके बीच में अगर कुछ है तो क्या हो गया? आजकल सब कुछ कॉमन है। बाबूजी, वेदिका रूम में जा, गायत्री क्या गई इस घर को तमाशा घर बना कर रख दिया है सब लोगों ने? पंकज, विधि बहू, ये शिक्षा दी अपनी बेटी को, ये संस्कार दिए तुमने? तुम्हें दादाजी से इस तरह बात करेगी वो जिसे देखो अपनी मनमर्जी चला रहा है, जिसे देखो जब चाहे मुंह उठाए चलाता है मेरे कमरे में, कभी दवाई का बहाना लेकर, कभी कमरा ठीक करने का बहाना लेकर। अरे मेरे हाथ पांव सलामत है अभी, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। कोई एहसान मत करो मेरे ऊपर, किसी को मेरे लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गायत्री की जगह कोई नहीं ले सकता। कहा तो बाऊजी और बड़ी मां के रिश्ते को पाक नाम देना चाहता था, और देखिए आरती जी क्या हो गया। भैया जी, राधा मां मेरे सामने किचन से दूध लेकर गई है, तब बिल्कुल ठीक ठाक थी, यूं अचानक चक्कर कैसे आ सकता है? और उससे भी बड़ी बात, राधा मां ने कहा था कि जब उन्हें चक्कर आया था वो जमीन पर गिरी थी, फिर वो बाऊजी के बेड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई और बात है। भाभी जी, आपके लिए दूध। हाँ, यहाँ पे रख दो। अभी तो समझ में नहीं आ रहा आरती जी कि आखिर बात क्या हो सकती है। यशी, यशी मेरे साथ आई है। क्या हुआ आरती जी? चलिए। बात क्या है? चलिए। तो उस दिन मैं यहाँ खड़ी थी और राधा माँ यहाँ पे थी, बाबूजी के लिए दूध भी उन्होंने यहीं तैयार किया था, उसके बाद किचन से वो बाबूजी के रूम में गई। बाबूजी के रूम तक जाने तक ऐसा क्या हो गया जिसे उन्हें अचानक चक्कर आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब तक यहाँ थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। अगर ऐसी बात है आरती जी, तो यहाँ पे जरूर ऐसी कोई चीज जो हमें इनकी दवाई। ये तो बाबूजी लेते हैं। नहीं आरती जी, बाबूजी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं लेते हैं, और वैसे भी आरती जी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई इतनी आसानी से नहीं मिलती।
एक काम करते हैं, हम केमिस्ट पे फोन लगाते हैं। मुझे यश को रोकना होगा वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। एक मिनट आरती। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ इशिता? वो थोड़ी देर पहले केमिस्ट के यहाँ से लड़का आया था पैसे लेने। मैंने कहा कि हमने तो कोई दवाई नहीं मंगवाई है, तो कहने लगा कि किसी औरत ने फोन करके नींद की गोलियां मंगवाई थी और वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाली। यशी, बाबूजी तो इतनी स्ट्रांग दवाई नहीं लेते, वो और कौन मंगवा सकता है? आरती जी, कहीं बड़ी माँ ने तो नहीं मंगाई? हाँ, हो सकता है। कल राधा माँ के सर में बहुत दर्द था, मैंने बताया था ना आपको। हो सकता है कि दवाई का असर इतना हुआ हो कि अचानक ही नींद आ गई हो और गिर गई हो। नहीं नहीं इशिता, राधा माँ ने मुझे, हम दोनों को बताया था कि वो जमीन पर गिरी थी, फिर वो बेड तक कैसे पहुंची? अब इतनी स्ट्रांग दवाई के असर में कैसे पता चलेगा आरती कि क्या हुआ क्या नहीं? खैर, हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें राधा माँ बिल्कुल निर्दोष है। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है उन्होंने, यही काफी है हमारे लिए। इशिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आरती जी, हमें घर में सबको बता देना चाहिए। आई एम सो रिलीव्ड। चलिए। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तूने आरती, मगर ये मत समझना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा। तुम्हारे बाऊजी और माची का पुनर्विवाह भूल जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आएगी। भले ही अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी राधा माँ को सूली पर क्यों ना चढ़ाना पड़े। नहीं आई तुझे इतनी नीच हरकत करते हुए मेरे भैया के कमरे में, उनके साथ उनके बिस्तर पे? अरे, तुझे बेआसरा समझकर हमारे घर में आसरा दिया था, लेकिन तूने अपनी सही औकात दिखा दी, बसारू औरत। दुनिया कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारे बारे में माँ। अरे, हमें तो माँ कहने में भी शर्म आ रही है। तुम माँ के नाम पर धब्बा हो तुम। ये तुमने क्या किया राधा? इतना नीचे गिर गई अपनी अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए? अपनी उम्र का भी नहीं सोचा? मैं मानती हूं जरूरत हर किसी की होती है, लेकिन अगर उसकी वजह से इंसान का ईमान डगमगा जाए तो फिर वो इंसान इंसान नहीं रहता। और तुम्हारी वजह से सिर्फ इस परिवार को ही नहीं, पूरी औरत जात को शर्मिंदा होना पड़ा है। तुमने इस घर के लोगों का विश्वास तोड़ा है राधा। अब इस घर के लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा हो गई है तुम्हारे लिए। अब इससे पहले कि इनकी बेरुखी, इनके ताने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दें, खत्म कर दो अपने आप को, मार डालो। वैसे भी जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। और ऐसे जीने से भी क्या फायदा रहा था जब लोग तुम्हें नीची नजरों से देखें, जैसे तुम कोई बीमारी हो। सोच क्या रही हो? अगर तुम्हें अपने बेटे और बहू की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो खत्म कर दो अपने आप को, जान ले लो अपनी, खत्म कर दो अपने आप को। तुम खुद भी मुक्त हो जाओगी और दूसरों को भी मुक्ति मिलेगी तुमसे, समझी? आ, 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 आ,
किसी और के चक्कर में बेचारी लड़की को डांट पड़ गई, गलती किसी की और भैया ने गुस्सा किसी और पे उतार दिया। लेकिन गलती वेदिका की ही थी बुआ जी, उसे क्या जरूरत थी बड़ों के बीच में बोलने की। बच्चों सुनो, अंदर जाके खेलो। कि आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं क्या? और फिर जब बड़ों को ही मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं है तो बच्चों पर तो असर पड़ेगा ही ना। अब तो ईश्वर ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा इस घर का। इस घर की मर्यादा का सबको ख्याल है बुआ जी, हम ना तो अपने संस्कारों को भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। हम सब वैसे ही रहेंगे जैसे मम्मी जी हमेशा चाहती थी, मिलकर। अभी ये जो सब हुआ उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमने जो देखा वो गलत था? इसका मतलब हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है सब कुछ समझने में। जी भाभी, इसलिए हम सबको चल के राधा माँ से माफी मांगनी चाहिए। रो रो कर बुरा हाल कर लिया है उन्होंने अपना। हाँ, माफी तो मांगनी ही चाहिए, और खासकर आपको बुआ जी, आप घर की बड़ी हैं, बड़े सोच समझ कर बात करते हैं, और आपने तो काफी कड़वे शब्द कहे हैं माँ जी, तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, जो आंखों से दिखेगा उसी को सही समझूंगी ना मैं। गलती साफ साफ राधा की ही है। कल जो हुआ अनजाने में एक्सीडेंटली हुआ, इसमें बड़ी मां की कोई गलती नहीं है। प्लीज बाबूजी, बड़ी मां को गलत मत समझिए, वो बहुत ही अच्छी है और हमेशा कोशिश करती है कि घर में सब लोग खुश रहें। वो अपने दुख को हमेशा छुपा के रखती है। यकीन मानिए बाबूजी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि घर वालों को शर्मिंदगी हो, उनको बुरा लगे। जो भी हुआ बाबूजी, वो सब अनजाने में हुआ, यकीन मानिए बाबूजी। बस मां से एक गलती हुई थी, ममता के हाथों से मजबूर होकर उन्होंने इस परिवार के एक बेटे को इस परिवार से दूर कर दिया, वो भी 30 साल पहले। इसी बात को सोच सोच के वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती है, और इसके अलावा उसे कोई गलती नहीं हुई है बाबूजी। यश, मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन सोचो कितनी शर्मिंदगी हुई होगी मुझे, पूरे परिवार के सामने, अपने बेटों के सामने, अपनी बहुओं के सामने, अपने पोतों के सामने, क्या इज्जत रह गई मेरी? पूरा परिवार मुझे ऐसे देख रहा था। शर्मनाक पल मुझे जिंदगी भर सालता रहेगा, भुला नहीं पाऊंगा उसे। जीवन भर मैंने अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और सोचो अगर उम्र के इस पड़ाव में आकर ऐसा कुछ हो जाए तो
किस से जाकर कहूंगा, किस किस को समझाऊंगा कि जो आंखों के सामने था वो सच नहीं था। मैंने तो अपने जिंदगी भर की पूंजी खो दी ना। मेरा परिवार पहले जैसा आदर कर पाएगा मेरा?